हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक तोमर है और आपका मैं स्वागत करता हूँ ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रिजल्ट जो हमारा दिसंबर 2023 UGC नेट का है वो आ चुका है और NTA की तरफ से बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज भी देखी गई हैं। तो रिज़ल्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं और उन सारे प्रॉब्लम्स को आप जो है और मैं जो है अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब रिज़ल्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया, जो देना था दे दिया, हमने जो भी किया लेकिन उसका कोई अभी आगे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए, जो भी आपका रिज़ल्ट रहा। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन पंक्तियों से आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, तो वरदान नहीं मांगूंगा, वो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आपको ये हार नहीं मानना है और हार ना मान के आपको तैयारी करनी है और बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार करना है। आप इतना मान के चलिए कि ये जो हमारे पास 3-4 महीने हैं ये हमारे पास और अपने खुद को मजबूत बनाने के लिए हैं, खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए हैं, ताकि और हम बेहतर तरीके से अपने तैयारी के साथ जो है आगे बढ़ें और इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें जो हमारा जून 2024 में होने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं अपने पेपर वन एकलव्य बैच के बारे में। तो जो हमारा ये पेपर वन एकलव्य बैच है, बिल्कुल ये 5-स्टार बैच है। आप जो है जाके और क्वालिटी देखिए, हमने जो है 2 डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं यूट्यूब पर। आप एक बार जाके क्वालिटी देखिए, कितना एक्सटेंसिवली और कितना ज़्यादा डेप्थ में जाके हम समझते हैं टॉपिक्स को, उसको देखिए। और जो ये हमारा बैच है ये कमेंस हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है 17th of January 2024 से। इसका जो प्राइस है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लोग जो है 6-6 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये जो है चार्ज कर रहे हैं आपसे, हमने रखा है इसको सिर्फ 1499। और ऊपर से अगर ये डिस्काउंट कोड आप मेंशन करते हो PS100 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्लासेज होंगी, यानी बायलिंगुअल होंगी। स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज क्लासेज चलेंगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, डिटेल टॉपिक कवरेज है। और देखिए, JRF क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिल रहा है मेरे रूप में, तो मैं हूँ JRF एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। होने से क्या फ़ायदा है कि देखिए, मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि कैसे जो है वहाँ तक पहुँचना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये वीडियो उसी के बारे में है, ये वीडियो एक स्ट्रेटजी वीडियो है, ये वीडियो जो है हमारे प्लान के लिए है, आपके प्लान के लिए, कि कैसे हम प्लान करके और इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वालिटी की गारंटी जो है यहाँ पर हम लेते हैं ज्ञानस्थली क्लासेस में। बायलिंगुअल नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, बहुत सारे डाउट सेशंस, और इसके साथ साथ मैराथन होगा लास्ट मंथ में, और आपको MCQ प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, मैम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। और देखिए, ये जो है यहाँ पर नंबर भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो जो भी आपके क्वेरी कंसर्न है तो इस नंबर पर भी आप जो है पूछ सकते हैं। और जो है विनय सर को या फिर अलका मैम को, किसी को भी आप पेमेंट करके और आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। पेमेंट करते समय इस कोड को मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को ज़रूर फॉलो करिए। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में देखिए, और अगर आप जो है पहली बार मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं, तो देखिए पेपर वन का एजुकेटर हूँ मैं आपका, प्रतीक तोमर नाम है मेरा। मैंने दिसंबर 2022 वाला जो JRF का जो अटैम्प्ट था मेरा, वो मेरा पहला अटैम्प्ट था और उसमें ही मैंने JRF क्लियर किया AIR 96 के साथ। और जो ये रिसेंट एग्ज़ाम हुआ ना, तो ये चूँकि मैंने सिर्फ एग्ज़ाम जो है उसका एक लेवल देखने के लिए एग्ज़ाम दिया था और ये देने वाला भी नहीं था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम क्लैश हो गया जिस वजह से मैं जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाला था वो नहीं किया, तो इसको अटैम्प्ट किया। लेकिन मुझे पता चला, कई चीज़ें पता चली इस एग्ज़ाम को देने के बाद, कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, नए तरीके से क्या क्या पूछा जा रहा है वो मैंने देखा। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, और मैंने भी इसमें टाइम मैनेजमेंट में कुछ जो है खामियां कर दी, और वो देखिए एक एक्सपीरियंस मेरे साथ आ गया कि हाँ कैसे जो है वो अपने स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, NTA जो है वो लेंथी पेपर अब बना रहा है, क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा कुछ बदलाव के लिए है नहीं जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी बना रहे हैं और ऑर्डर वाइज फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं आपसे, जो है ऑर्डर में जो है सीक्वेंस में लगाने को क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, बुक्स और ऑथर्स के नाम आ जा रहे हैं, चैनल्स के जैसे स्वयं के जो स्वयं प्रभा के जो चैनल्स रहेंगे उनके नाम आ जा रहे हैं, है ना, कि किस स्ट्रीम से या फिर किस डिसिप्लिन से कौन सा चैनल रिलेटेड है। 3 साल का ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा, और एक साल का एक मैंने JRF मेंटरिंग
का जो है एक कोर्स मैंने बनाया था और उसमें 3 लोग जो है सफल भी हुए, तो वो भी जो है एक मेरा एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और इसके साथ साथ देखिए यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इन 3 जगहों पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये है हमारा एकलव्य बैच, और एकलव्य बैच का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो एक बार इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, और आज के वीडियो में हम ये देखते हैं कि JRF को गारंटी के साथ कैसे क्रैक किया जा सकता है, ठीक है? तो हाउ टू क्रैक JRF गारंटीड, ठीक? तो ये एक स्ट्रेटजी डिस्कशन सेशन होगा, तो स्ट्रेटजीज में डिस्कस करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक प्लान जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है फुल प्रूफ प्लान लेके आप चल सकते हो, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है अगर UGC नेट JRF को, और ख़ास तौर से अगर आप पेपर 1 में बार बार पीछे हो जा रहे हो, पेपर 1 के वजह से आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ पा रहा है, तो हम यहाँ पे 45 क्वेश्चंस तक टारगेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस जो है वो भी मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस, अगर आप जो है बिल्कुल ही नए हो, आपको पता ही नहीं है, तो देखिए 50 क्वेश्चंस जो है वो पेपर 1 और 100 क्वेश्चंस जो है पेपर 2 के आते हैं, और इन 50 क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं ईच, नेगेटिव मार्किंग अभी तक जो है इस एग्ज़ाम में नहीं है, और यानी कि ये 100 नंबर हो जाता है और ये 100 × 2 = 200 मार्क्स हो जाता है, ठीक? ये 200 मार्क्स और ये 100 मार्क्स यानी टोटल आपके हो जाते हैं कितने, 300 नंबर, और 300 नंबर में देखिए 208 जो है इस बार जनरल का कट ऑफ गया है, ठीक, 208। तो देखिए कि आपको कितना ज़्यादा कंपटीशन भी आपका बढ़ता जा रहा है, और इस कंपटीशन को अगर आपको बीट करना है तो आपको पेपर 1 अपना बेहतर बनाना होगा। तो इसी के बारे में एक स्ट्रेटजी वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए, देखिए कि कैसे जो है आप जो है वो इस UGC नेट पेपर 1 को मास्टर कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर कैसे फतह पा सकते हैं, कैसे विजय पा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जामिनेशन के पैटर्न को आप समझिए, ठीक? कैसे समझ सकते हैं कि आप जैसे यहाँ ज्ञानस्थली पे भी बार बार आपको बताया जाता है, मैम भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाती हैं, टेलीग्राम पे बहुत एक डिस्कशन ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, वहाँ भी काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक? तो सबसे पहले तो देखिए UGC नेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना वो आपको समझना ज़रूरी होगा। आपको जो है ये 10 यूनिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है NTA ने, और इन 10 यूनिट्स को अगर आप बेहतर ढंग से कर लेते हो, ठीक, आपको दिखाता हूँ। देखिए तो सबसे पहला ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है, कम्युनिकेशन चौथा है, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये है लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आ जाता है ICT यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, PDE यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपके 10 यूनिट हो गए, और इन 10 यूनिट से जो है ना आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक? तो 50 क्वेश्चन आपको इन 10 यूनिट से देखने को मिलेंगे, और कोई फिक्स नहीं होता है कि किन यूनिट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी इससे ज़्यादा आ जाएगा, कभी इससे ज़्यादा आ जाएगा, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तो फिक्स ही होता है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग जो है इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, और ये जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं, टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है अगर आप ज़्यादा स्कोर कर देते हो यानी पेपर 1 में, तो आप पेपर 2 यानी कि डोमेन, कोर डोमेन सब्जेक्ट, तो देखिए अगर आपने चूज किया है जो भी आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, जो भी सब्जेक्ट, तो उसमें तो आपका पकड़ होता ही है क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे जो है इसलिए घबरा जाते हैं कि देखिए इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड एक अलग जो है आ जाता है, इसके साथ साथ DI और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो है ये, और मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद ये देखिए कि नए में कुछ पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो है इसमें करंट का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जो है गोल्स वगैरह, SDG गोल जो आ जाते हैं, MDG गोल आ जाते हैं, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम का एक यहाँ पे है, और इसके साथ साथ देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग बहुत गलती कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे जो है आप इसको अटेम्प्ट करिए, कैसे जो है आप मास्टर कर सकते हैं पेपर 1 को हमारे साथ, ठीक? तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि भाई 50 क्वेश्चन होते हैं, और मार्किंग स्कीम भी देख लिया कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और टाइम तो आपका वही होता है ना कि आपको जो है टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, और इन 3 आवर्स में आपको वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, कितने टोटल आपको 150 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, ठीक? तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से देखना होगा। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीखोगे? टाइम मैनेजमेंट आप जो है सीखते हो प्रैक्टिस से, ठीक है? तो आपको जो है PYQs, मॉक्स ये लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देना होगा, PYQs लगाने होंगे, तब जाके आपको आता है टाइम, और फुल लेंथ का पेपर दीजिए, है ना, 3-3 घंटे आप जो है दीजिए, सिस्टम पे बैठिए, आप हो सके तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप जो है साइबर कैफ़े में जाइए और वहाँ जाके आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और वहाँ जाके दीजिए। देखिए
आपके पास जो है ना वेबसाइट भी अवेलेबल है जहाँ से एनटीए जो है वो आपको टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी अटेम्प्ट करके और एक जो है फील ले सकते हैं कैसा पूरा यूजर इंटरफेस होगा अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो, ये और यूज़ टू हो जाइए। ठीक, दूसरा है भाई हम सिलेबस में अच्छे से, हमें सिलेबस समझना होगा। देखिए मैं तो कहता हूँ कि आप सिलेबस प्रिंट करा के अपने पास रखिए, ठीक है, तो पेपर वन और पेपर टू जो भी आपका है दोनों का सिलेबस प्रिंट करें। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप सिलेबस प्रिंट करा लेते हो ना तो आपका कम से कम 20% काम तो वहीं हो जाता है, क्योंकि जब जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी पक्की हो रही है ना। तो देखिए ज्ञानस्थली पे, अगर टेलीग्राम पे आप ज्ञानस्थली को फॉलो करते हैं तो वहाँ भी सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और पेपर वन का पूरा डिटेल सिलेबस वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। वेटेज के हिसाब से और रेलेवेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ कीजिए टॉपिक्स को, जो चीज़ आपके मजबूत हैं उनको छोड़ के जो चीज़ कमज़ोर है पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपके पास टाइम है ना, और जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा एग्ज़ाम का तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आप आगे रहेंगे कंपटीशन से। अभी बहुत लोग क्या करेंगे, हाइबरनेट हो जाएंगे। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जो भी कोल्ड ब्लडेड, आप देखते हो ना कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं ठंडियों में, जो है देखिए जैसे छिपकली है, जैसे लिजर्ट्स होती हैं, तो ये ठंडियों आपको नहीं दिखेंगी, क्यों, ये जो है ना 3-4 महीने के लिए अंदर चली जाती हैं सब, कहीं जाके छुप जाएंगी सब, और फिर जैसे गर्मी आएगा तो ये जो है निकलेंगी सब। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि कैसे जो है 3-4 महीने जो है इसमें जैसे कोल्ड ब्लडेड आपको नहीं बनना है टोटल, है ना, टोटल ये बात है कि आपको कोल्ड ब्लडेड नहीं रहना है, हाइबरनेट नहीं होना है, आपको स्टार्ट करना है। ठीक, कि आप ऐसा ना हो कि आप जो है टालते रहो और जब एग्ज़ाम आता है तो आप कहते हो कि कैसे करें, नहीं, अभी से स्टार्ट करिए, जो जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा। ठीक, तो प्रायोरिटाइज़ कर लिया आपने वेटेज के हिसाब से टॉपिक्स को। इसके बाद देखिए कि हमने देखा कि क्या क्या ये यूनिट्स हो सकते हैं। हमारा तीसरा है ना कि स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान बनाइए आप। ठीक, एक ऐसा जो है अध्ययन का पूरा प्लानिंग करिए कि कैसे आप जो है स्टडी करेंगे। ठीक, एक कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाइए कि भाई सेल्फ स्टडी, देखिए मैं तो ये मानता हूँ ना कि देखिए एजुकेटर है ना, एजुकेटर का तो एक रोल है ही, है ना, एक गाइडेंस जो है आपको प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ आपको जहाँ भी आप जो है कोई प्रॉब्लम फेस करते हो ना, हर्डल फेस करते हो, तो वहाँ आपको एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, एक मेंटोर की तरह काम करता है, आपको जहाँ प्रॉब्लम आता है आपके लिए आवाज़ भी उठाता है। तो एजुकेटर का तो एक रोल है, लेकिन आपका रोल भी बहुत बड़ा है इसमें, और वो क्या है, देखिए आप जो है ना अब हायर एजुकेशन में आ चुके हैं, आप जो है कुछ दिन में प्रोफेसर हो जाएंगे, तो सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, आपको खुद से स्टडी करना होगा। मैं यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, इसके साथ साथ हमारे लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करना होगा। बुक्स को बिल्कुल आप जो है साइड मत करिए, पेपर वन के लिए बहुत अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, है ना, तो पेपर वन के लिए आप बुक्स, जैसे मैं तो केवीएस मदान को रिकमेंड कर देता हूँ, केवीएस मदान आप ले लीजिए, और अगर आपको ये बुक के लिए पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आप मुझे डीएम करिए टेलीग्राम पे, और मैं आपको जो है इसका सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जो है ये बुक वहाँ से एक्सेस करिए और देखिए पेपर वन को अच्छे से समझिए, उसको डिटेल में देखिए, और हम और क्लासेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक जो है ना कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ क्लास लीजिए। ठीक, तो अपने कहते हैं कि अपने पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के, जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है ना, आपने देखा होगा कॉमर्स सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा ही आता है स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपने जानी है कि आपके क्या क्या, आपकी जो है ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। बहुत लोगों की कमजोरी क्या होती है कि वो मैथ्स में वीक होते हैं, बहुत लोगों की कमजोरी होती है कि वो जो है ना ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन वगैरह अच्छे से नहीं कर पाते, या फिर लॉजिकल रीजनिंग में वो जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो उस चीज़ को समझिए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। टाइम स्लॉट बनाइए इस टॉपिक के लिए, देखिए अपने एक जानते हैं जब भाई कितना भी बड़ा सिलेबस हो उसको आप ब्रेकअप कीजिए, ब्रेकअप करके और उसको जो है ना चंक्स में डिवाइड कर दीजिए। कोई भी काम को अगर आप चंक्स में डिवाइड कर देते हो ना, तो पार्ट पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हो तो उसको जो है अचीव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट करो तो नहीं होगा। तो आप अपने सिलेबस को प्रिंट कराइए, उसके बाद आप उसमें कर दीजिए कि 1 वीक में मैं इतना करूँगा, 2 वीक में मैं इतना हो जाएगा, तीसरे में इतना हो जाएगा, और आप जो है ना डेली जो है टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मुझे शाम तक ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, और उस पर आप टिक मारते जाइए, और देखिए आपके ब्रेन में जो है डोपामिन रिलीज होगा इससे। डोपामिन क्या है, केमिकल है जो हैप्पी बनाता है, आपको खुश कर देता है। तो देखिए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए टेलीग्राम वगैरह पे आप जो है फॉलो करिए स्टडी चैनल्स जो हैं, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह ये सबसे बहुत दूर रहिए। देखिए आपको एक एजुकेटर बनना है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को पहले से ही समझना होगा, खुद को प्रोफेसर मानिए कि आप एक प्रोफेसर की तरह जो है बिहेव करिए, है ना, ये हो गया। इसके साथ साथ स्टडी सेशंस जो है उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जरूर रखिए, है ना, लगातार करिए और डिसिप्लिन तरीके से करिए, अनुशासन में रह के करिए।
रिसोर्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से पढ़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, है ना, लेकिन आपको वो सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। आप YouTube पे अगर देखोगे लेक्चर्स तो बहुत लोग हैं जिससे लेक्चर्स जो है फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिस्टमेटाइज्ड प्लान जो है वो करते हो तो हमारे साथ आइए, हमारे पेपर वन से जुड़िए, हमारा जो एकलव्य बैच है उससे जुड़िए, उसमें जो है आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। और देखिए ऑथोरिटेटिव बुक्स लीजिए, ऐसे बुक्स लीजिए जो कि रेलेवेंट हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ज्ञानस्थली क्लासेस को जो है फॉलो करिए YouTube पे भी, और साथ ही साथ और भी जगह पे फॉलो करिए। आप बैच परचेज करिए, हमारे ऐप में आइए, वहाँ पढ़िए, और जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे जो है जो भी स्टडी मटेरियल्स रिकमेंडेड है, जैसे मैम ने जो है एक बुक लॉन्च किया है एजुकेशन के लिए, तो उसको आप परचेज करिए, बहुत अच्छी बुक है, और उसको परचेज करके उसका यूज कर सकते हैं अगर आप इस सब्जेक्ट के हैं तो। इसके साथ साथ जो भी रेप्यूटेबल ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप। एक बार आप UGC की वेबसाइट ज़रूर विजिट करते रहिए। इसके साथ साथ जो है जो भी UGC ने अलग अलग प्रोग्राम्स चला रखे हैं उनको देखिए, फोरम्स को देखिए, MOOCs वगैरह जो भी, जैसे स्वयं है तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में आती है, तो इसको देखिए, है ना, और इसका फ़ायदा उठाइए। अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ कि देखिए रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप जो है हो सके तो पेपर वन के लिए ना एक प्रैक्टिस सेट खरीद लिए, प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कुछ दिन में, अभी थोड़ा बिजी मैं हूँ, लेकिन कुछ दिन में मैं आपको टेलीग्राम पे भी रोज सोच रहा हूँ कि 5 क्वेश्चंस तो कम से कम आपको पेपर वन के जो है वो प्रैक्टिस के देता रहा हूँ क्विज के रूप में। तो आप जो है एंगेज रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। UGC नेट पेपर, उनका मॉक टेस्ट वगैरह ये सब अवेलेबल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, अगर आप पॉसिबल है तो ऑफलाइन खरीद लीजिए और उसको जो है लगाते रहिए, और परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए कि आप जो है कितना ला पा रहे हैं उन टेस्ट में, कितना ला पा रहे हैं, अपने वीक एरियाज़ को देखिए और उन पे काम करना चालू करिए, ठीक, और अपने प्लान को वैसे ही बनाइए। हमारा 6th पॉइंट है कि देखिए स्टे अपडेटेड, अपडेटेड रहिए, करंट अफेयर्स भी देखा करिए। देखिए करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अगर आपको डेली करंट अफेयर चाहिए ना तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पे पिंग करेंगे तो मैं आपको एक रिलायबल सोर्स बता दूंगा टेलीग्राम का, वो उसे मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, तो वहाँ पे आपको मैं डेली जो है जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भेज दिया करूँगा। इससे हमें पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाले पोर्सन में काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक, क्योंकि करंट से भी काफ़ी चीज़ें उसमें पूछ दी जाती हैं कई बार। तो न्यूज़पेपर्स वगैरह इतना तो आप नॉर्मली ही देखिए, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत करिए, और एकेडमिक जर्नल्स वगैरह अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है उनको आप यूज़ करिए करंट अफेयर्स के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, लेकिन ये ना हो कि आप यही सब देखते रहें, है ना। और इसके साथ अगर देखें तो देखिए जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं UGC नेट पेपर उनके टॉपिक्स के लिए, और उससे उसे जो है आप जो है अपडेटेड रहिए, और उससे क्या होता है ना कि अपडेटेड रहते हो तो आप एग्ज़ाम के लिए हमेशा आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, तो उसके बारे में आप सोचते रहते हो। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट आप बढ़िया से करिए, और बार बार जो है वो मॉक्स वगैरह लगा के टाइम मैनेजमेंट बेहतर ढंग से करिए, एक एग्ज़ाम का कंडीशन बनाइए। देखिए एक टेक्निक होता है सिमुलेशन टेक्निक, ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो सिमुलेशन टेक्निक क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना देते हो। मान लो आप एग्ज़ाम में जाते हो तो देखते हो कई लोग को एग्ज़ाम फियर होता है, तो इस एग्ज़ाम फियर को ओवरकम करने के लिए ना हम सिमुलेशन टेक्निक बनाते हैं। सिमुलेशन टेक्निक से क्या करते हैं कि हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें एग्ज़ाम जैसा ही एकदम माहौल होगा, तो आप जो है मॉक्स जब लगाइए तो बिल्कुल आप ऐसे टाइम पे लगाइए, रात में 4 बजे उठिए, सुबह में मतलब ऐसे 4 बजे, और उस टाइम पे लगाइए ताकि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और ऐसे टाइम पे लगाइए कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, और आप जो है एक वैसा कंडीशन में रहिए, है ना, कि आप जो है एग्ज़ाम का पूरा माहौल बना दीजिए। रियलिस्टिक टाइम गोल्स बनाइए, और बड़े बड़े गोल्स ना बनाइए कि वो हो ही ना पाए, अगर नहीं होगा तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेशन में जो है वो एक बेहतर तरीके से सोचिए कि भाई सबसे पहले आपका जो अच्छा पोर्शन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। तो यानी कि अगर आप पेपर वन और पेपर टू में, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पेपर टू पहले करिए और फिर पेपर वन में आइए, उसमें भी अगर जो आपको पसंद है वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करिए और फिर बाद में दूसरों क्वेश्चन को, तो मैं ये कहता हूँ इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ करिए, और जैसे क्विज वगैरह जो है उसको अटेम्प्ट करिए, समरीज वगैरह देखिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग करिए, इससे आपको चीज़ें याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये ऐसा चीज़ करिए जिसमें आप एंगेज रह सके, एंगेजमेंट अगर आपका रहेगा तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक। और इसके साथ साथ देखिए डिस्कशन में एंगेज रहिए। आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे डिस्कशन ग्रुप, जैसे हमारा ज्ञानस्थली का भी है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा उसमें नहीं टाइम वेस्ट करना है, लेकिन आपको सारी जानकारियाँ वहाँ मिल जाती हैं, ठीक। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स वगैरह जो भी हमारे जो भी हमने बैच लॉन्च किया उससे जुड़िए, ठीक, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
और बैच की बात करें तो फिर से एक बार बता दूं कि देखिए एकलव्य बैच हम चला रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन के लिए, 1500 रुपये इसमें इसका चार्ज रखा है, और इसमें भी अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप चाहते हैं तो ये कोड जो है मेंशन कर दीजिएगा। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पता कर लीजिए कि कैसे पेमेंट करना है, और वैसे पेमेंट करके आप ये कोड मेंशन करेंगे और आपको जो है मिल जाएगा, ये एक्सेस मिल जाएगा आपको ऐप पे इस पेपर वन का। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो फिर हम इसी यूट्यूब चैनल पे जाके और देखिए, दो क्लासेज आपके लिए डाल दी गई हैं। जो हमारा नवा पॉइंट आता है ये रेगुलर रिविज़न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो है ना वो रिविज़न करते रहिए। रिविज़न इज़ द की, जो रिविज़न करेगा वो कभी कॉन्सेप्ट को भूलेगा नहीं। तो एक सिस्टमेटिक रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाइए, चीज़ों को जो है समरी के तौर पर रिवीजन करिए, छोटे छोटे अपने जो है ना शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। हम भी यहाँ से आपको जो है प्रोवाइड कर देते हैं जो भी पीडीएफ होता है क्लास का, तो उससे भी आप जो है जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ कॉन्साइड नोट्स बनाइए, मैंने बोला ना कि नोट्स जो है वो छोटे छोटे नोट्स बनाने जरूरी हैं ताकि आप अपने नोट्स खुद समझ सकते हैं, दूसरों के नोट्स पर रिलायबल ना हो के खुद का नोट्स आप कर सकते हैं, अभी समय भी है इसके लिए, ठीक। तो इससे आपको जब एग्ज़ाम आपका पास आएगा ना तो वो रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। और देखिए दसवां जो है इसको कभी भी आप इग्नोर मत करिए, एक्सपर्ट का गाइडेंस लीजिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे जैसे कोर्सेज डिजाइन की हैं तो आपको बार बार कई जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह रहिए, वहाँ स्टिक रहिए, वहीं पर रहिए और वहाँ से अच्छे से सारी चीज़ें तैयार करिए। तो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हमारा गैसली क्लास है, इसको जो है इसके टेलीग्राम से जुड़िए, इसके यूट्यूब से जुड़िए, आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पे दे दी जाती हैं। पेड बैच है हमारा जो चल रहा है, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए चल रहा है, तो आप जो है इसकी जानकारी जो भी नंबर्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है इसमें जाके आप ले सकते हैं। देखिए नीचे जो नंबर्स दो दिए हुए हैं यहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं सारी जानकारियाँ। वेबिनार्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इसके साथ साथ डिस्कशन फोरम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें अपने 11th जो पॉइंट है हमारा, तो ये है हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप फिजिकली और मेंटली जो है ठीक नहीं रहोगे, अगर वेलबींग आपका नहीं रहेगा ना, तो आपका जो है ओवरऑल जो प्लान है वो कोई काम का नहीं रहेगा, सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा अगर आप अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे। देखिए मॉर्निंग वॉक वगैरह करिए और थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रिपरेशन फेज के दौरान अपने आप को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रेक्स लीजिए पढ़ाई के दौरान, लगातार ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता है, तो आधा घंटा एक घंटा पे एक बार जो है एक दो मिनट के लिए इधर उधर चले जाइए फिर आ जाइए। एक्सरसाइज करना जरूरी है, सफिशियंट स्लीप लीजिए, एटलीस्ट 6 आवर्स तो स्लीप इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फोकस और स्टेमिना दोनों मेंटेन रहे, है ना। और चौथा हमारा गायत्री क्लास जो है, गायत्री क्लासेस में एकलव्य बैच हमने स्टार्ट किया पेपर वन के लिए, तो इससे जुड़िए। इसमें जो है 17 जनवरी से हमने स्टार्ट किया है, 2 लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं, तो आप डेमो लेक्चर्स का जो है यूज करके देख सकते हैं कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है, हमारे शिक्षण पद्धति कैसी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारा कैसा है। कोर्स का फी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 1499 रुपीज़, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं PS100। हमारे बैच के फीचर्स आप देख सकते हैं, तो देखिए इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी प्रतीक तोमर, 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बताया ये, और ये सारी चीज़ें जो भी जानकारी एक नेट मैंने 2 बार क्लियर किया है, अभी रिसेंट वाला भी जो है इसमें भी नेट मैंने क्लियर किया है, एग्जाम दिसंबर 2023 वाला। मॉक टेस्ट वगैरह इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, क्लास नोट्स दिए जाते हैं बायलिंगुअल फॉर्म में, यानी दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश, फुल सिलेबस कवरेज होगा कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्कुल ही डेप्थ में जाके हम चीज़ों को समझते हैं। तो आप एक बार जाके देखिए लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जो है ये परचेज करिए। मैराथन सेशन जो है लास्ट मंथ में तो आपको दे ही दिया जाएगा। तो कंक्लूजन के तौर पे देखें तो जो ये स्ट्रेटेजी है ना, अगर आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप जो है, और जैसे हमारे बैच से जुड़ जाते हैं, तो फिर जो है आपके पेपर वन में जो है एटलीस्ट 40+ तो क्वेश्चंस आप सही कर ही पाओगे। अगर इतने क्वेश्चन सही कर पाते हो और अगर आपका पेपर टू कोर सब्जेक्ट तो लगभग सबका अच्छा होता ही है, तो फिर आपके JRF को कोई रोकने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। तो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए बैचेज इंपॉर्टेंट हैं, तो बैच से जुड़िए बहुत ही कम कॉस्ट में। और देखिए इससे क्या होता है ना कि आप स्टडी आवर्स आपका डेडिकेटेड रहता है, शाम को हमारा 7 बजे जो है क्लास चलता है यहाँ बैच ऑनलाइन ऐप पे, तो आप 7 PM जो है रोज़ जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी का भी प्लान बना लीजिए कि कैसे आपको स्टडी करना है, तो कोई भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस पाना है ना तो आपको सिस्टमेटिक प्रिपरेशन और डेडिकेटेड स्टडी आवर्स देने होंगे, और यूजीसी नेट में भी सेम लागू होता है। रिवीजन और प्रैक्टिस PYQs आप करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है।
एक्सपर्ट का गाइडेंस आप ले सकते हैं। देखिए अलका मैम से जो है वहाँ पे आप जो भी टेलीग्राम पे आप पूछते हो तो मैम हमेशा जो है आपकी एक्टिव होती है, मैं भी वहाँ एक्टिव हूँ, कोई भी अगर मुझसे आपको कुछ कोई भी चीज़ पूछनी है तो वहाँ पूछ सकते हैं, है ना। तो देखिए इतना ज़्यादा पर्सनल लेवल पे आपको मेंटोरशिप मिल रहा है और प्राइस इतने कम में अगर आपको मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वो, क्योंकि देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हज़ारों हज़ार रुपये आपसे लेके और वहाँ पे जो है आपसे कॉल सेंटर में वाले लोग बात करेंगे, आपसे वन टू वन आप एजुकेटर से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको उतना भी एक्सेस है कि आप एजुकेटर से बात तक कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई देखिए हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए 11/3 क्लासेस का, और आने वाले जो नेट JRF एग्ज़ाम है उसको एक्सेल करिए, उसको उस पर फतेह पाइए। हमारा बैच जो है फिर से आपको दिखा दूँ, ये सारे जो है ये डिटेल है हमारे बैच का, ये वाला नंबर दिया हुआ है, अगर आपको पेमेंट वगैरह जो भी करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। और जो है अपने जो भी अपना तैयारी है उसको 100% श्योर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर से कहता हूँ एक बार जैसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं एक बार चलते हैं, और आपको मैं देखिए ये जो है पंक्ति, इन पंक्तियों से फिर मैं एंड करता हूँ कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन्हीं पंक्तियों के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद 11/3 क्लासेस को जो है YouTube पे सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो, और मिलते हैं होपफुली बैच में अगर आपको ये पसंद आता है तो। धन्यवाद।